तारापुर प्रखंड सहअंचल कार्यालय के प्रखंड सभागार में शुक्रवार को नव निर्वाचित मुखिया व पंचायत समिति सदस्यों की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख अश्वनी राज उर्फ पिंकू मेहता ने की। विभागवार संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक की शुरुआत हंगामेदार रहा। बैठक में मुखिया व पंचायत समिति सदस्यों ने तारापुर प्रखंड में मात्र नगर पंचायत तारापुर को सुखाड़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने को लेकर रोष था। कहा कि तारापुर प्रखंड में कई ऐसे पंचायत है जहां खेती ठीक ढंग से नहीं हो पाई है और तारापुर नगर पंचायत को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया जहाँ खेती बहुत ही कम होती है। वहीं इस संबंध में प्रमुख अश्विनी राज ने कहा, तारापुर प्रखंड में सिर्फ नगर पंचायत को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करना गलत है, क्योंकि नगर पंचायत बनने का मतलब होता है कि उस क्षेत्र में 75% किसान नहीं हो। आगे बताया कि हमारी BDO साहब से बात हुई है, उन्होंने भी कहा कि गलत रिपोर्ट चला गया है, इसके संशोधन को लेकर जिलाधिकारी के पास भेजा गया है। उन्होंने बिहार सरकार से पूरे तारापुर प्रखंड क्षेत्र को सुखाड़ घोषित करने की अपील की। मौके पर मुखिया कन्हैयालाल तांती ने धोबई में नल जल योजना से कई वार्डों में पानी नहीं पहुंचने को लेकर मामला उठाया। बंशीपुर में जर्जर व नंगे तार से कुछ घरों में बिजली संचालित होने की बात कही, जिसे बिजली विभाग के कनीय अभियंता को दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया। वहीं गनेली, खैरा और रामपुर विषय के पंचायत समिति द्वारा भी कई वार्डों में PHD द्वारा लगाए गए जल मीनार से पानी नहीं पहुँचने की शिकायत की गई। वहीं मुखिया वंदना कुमारी ने कहा कि रसलपुर प्राथमिक विद्यालय, जिसे मध्य विद्यालय में मर्ज कर दिया गया है, उसे पुनः रसलपुर प्राथमिक विद्यालय में चालू किया जाए। वहीं खैरा पंचायत के समिति रिंकू पासवान द्वारा बताया गया कि प्राथमिक विद्यालय सांधी का जर्जर भवन है, जिसको अविलंब ठीक कराया जाए, नहीं तो पढ़ाई कर रहे छात्रों के साथ कभी भी घटना घटित हो सकती है। प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार को शिकायत मिल रहे सभी विभाग के पदाधिकारी व कर्मी को कार्यशैली में सुधार लाने एवं सभी समस्याओं को दूर करने का निर्देश दिया। कहा कि बैठक में अनुपस्थित पदाधिकारियों को स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। मौके पर उप प्रमुख संगीत देवी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी गौतम भारती, एमओ राहुल कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी मनोज प्रभाकर, बिजली विभाग के कनीय अभियंता संतोष कुमार, मुखिया संघ के अध्यक्ष साजन कुमार, मुखिया वंदना कुमारी, अंजू सिंह, चांदनी कुमारी एवं सभी पंचायत के पंचायत समिति फैकू देवी, रसीला कुमारी, रंजीत कुमार, पार्वती देवी, पूनम कुमारी, कंचन देवी सहित सभी विभाग के कर्मी मौजूद थे। पंचायत समिति की दूसरी साधारण बैठक थी। इसमें सर्वप्रथम सबसे पहले जो यहाँ सुखाड़ घोषित किया है तारापुर में, सिर्फ एक जगह, वो भी नगर पंचायत में आता है, और नगर पंचायत बनने का मतलब कि 75% वहाँ किसान उपलब्ध नहीं हो, क्योंकि ये गलत है। हमारे BDO साहब से भी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि ये गलत रिपोर्ट चला गया है और इसमें संशोधन के लिए आगे बात गया हुआ है मान DM साहब के पास, और आगे इसका रिपोर्ट DM साहब के पास से जाएगा बिहार सरकार की यहाँ। और हम चाहेंगे, मांग भी कर रहे हैं कि पूरे सुखाड़ घोषित, पूरे मतलब कि तारापुर को, प्रखंड को सुखाड़ घोषित किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री से भी हम आग्रह करते हैं कि तारापुर प्रखंड को सुखाड़ घोषित किया जाए। तो बैठक में जो भी पदाधिकारी नहीं आए, कुछ तो पदाधिकारी जैसे यहाँ के जो स्वास्थ्य पदाधिकारी हैं, उन्होंने फ़ोन करके जानकारी दे दिए कि हमको जाना है कोर्ट के काम से, उनका PC है कोर्ट में, बयान देना है, तो वो अपने जगह पे दूसरे पदाधिकारी को भेजें। और जो भी पदाधिकारी जिसे नहीं भेजें, उन सभी पदाधिकारी को विभागीय स्पष्टीकरण कर दिया गया, BPRO को सभी को चिट्ठी दे दिया जाए, सभी विभाग को सबसे स्पष्टीकरण मांगा जाए कि आखिर क्यों नहीं आए, और अगर आप नहीं आए तो आप अपने क्यों नहीं प्रतिनिधि को क्यों नहीं दिए।